नमस्कार, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर व कमेंट करें, और मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिर्फ 10 रुपए की सूजी से एकदम खस्ता और महीने भर रखी रहने वाली पानी पूरी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, सारे स्टेप फॉलो करते हुए आप ये पूरी बनाएंगे तो आपकी पूरी बहुत ही अच्छी बनेगी। फ्रेंड्स, मार्केट में हम खाने जाते हैं तो 10 रुपए में कहीं 4 मिलती है, कहीं 5 मिलती है, हमारे यहाँ 6 पूरी मिलती है। तो ये देखिए, 10 रुपए की पूरी में हम 60 से 70 पूरी बना करके और तैयार कर लेते हैं, और पानी भी हम हमारी पसंद का पानी घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप अंत तक देखिएगा। आइए हम इस तरह की टेस्टी पूरी बनाना शुरू करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सूजी की पानी पूरी के लिए 250 ग्राम सूजी ले लेंगे। सूजी हमें बारीक वाली लेनी है, मोटी नहीं लेनी है। अगर आपके पास घर में मोटी वाली सूजी हो, दो तरह की सूजी आती है मार्केट में, मोटी वाली सूजी हो तो हम थोड़ा सा जार में डाल के पीस लेंगे और बारीक कर लेंगे। ये देखिए हमारी बारीक वाली सूजी है। सबसे पहले हम ये सूजी को एक बार थोड़ा छान लेंगे, इकट्ठा करेंगे पहले चारों तरफ से, और इस तरह से बीच में हम थोड़ी जगह बनाएंगे, और स्वाद अनुसार या आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे। 250 ग्राम सूजी में हम 50 ml तेल डालेंगे। तेल हमें हल्का गुनगुना लेना है, हल्का सा गर्म तेल ले लेंगे। पहले हम सूजी में इस तरह से अच्छे से तेल को ही मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हम सूजी की पानी पूरी बनाते हैं तो हमारी सारी पूरी एकदम खस्ता और फूली फूली बनेंगी। और फ्रेंड्स, हम इस तरह से हम पानी पूरी बना करके और आराम से 20-25 दिन तक इन पूरियों को स्टोर करके रख सकते हैं, और जब हमारी पूरी खाने की इच्छा हो हम बना सकते हैं। अब हम एक कप हल्का गुनगुना पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और सॉफ्ट डो गूंदना है हमें, क्योंकि सूजी है गर्म पानी से फूलेगी। 250 ग्राम सूजी गूंदने में आधा कप पानी लगा है। फ्रेंड्स, इस तरह की हम गीली गीली सी सूजी गूंद करके सारे टिप्स ध्यान रख के बनाएंगे ना तो आपकी पानी पूरी बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह से बस हम इकट्ठी करके और इस पे थोड़ा सा पानी का छींटा और देंगे। हम इसी में इस तरह से थाली से ढक करके और साइड में रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी पूरी का पानी बनाने के लिए तो हम एक कोई भी बर्तन ले लेंगे, जितना हमें पानी बनाना है उस हिसाब से हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ हम 2 टेबल स्पून हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी हम पुदीने, धनिया और मिर्ची को पीस करके और तैयार करते हैं, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मीठी चटनी या इमली, थोड़ी सी स्वाद अनुसार लाल मिर्ची, 2 पिंच हींग, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच जलजीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची, थोड़ा सा स्वाद अनुसार सादा नमक, और अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 छोटी चम्मच नींबू का रस। मार्केट में जो पानी पूरी वाले भैया पानी बनाते हैं वो उसमें नींबू सत का इस्तेमाल करते हैं। हम घर पे बना रहे हैं तो अगर हम नींबू सत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिट्रिक एसिड का, उसकी जगह हम नींबू का रस लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीजें हमने नींबू का रस और सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी, लगभग 500 ml हम इसमें पानी डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद एक बार आप पानी को टेस्ट कर लें, अगर आपको खट्टा कम लगे या मसाला कम लगे तो आप इसमें और मिक्स कर सकते हैं। ये हमारा पानी बनके तैयार हो गया है। अब हम पूरी के लिए मसाला भी बना के रख लेते हैं। ये देखिए, मसाले के लिए फ्रेंड्स हमने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं, लगभग 1/4 कप उबले हुए चने हैं, ये चने भी हम इसी में डाल लेंगे, और आलुओं को इस तरह से हाथ से थोड़ा सा फोड़ लेंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार, और इस तरह से नमक मिर्ची को इसमें मसाले में अच्छे से मिक्स करके और साइड में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गई हमें पूरी के लिए आटा रखे हुए, और ये देखिए आटा बिखर रहा है, मतलब सूजी अच्छे से फूल गई है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सॉफ्ट ही आटा चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच 1 टेबल स्पून जितना पानी और डालेंगे, और फिर अब हम इस सूजी को इस तरह से इकट्ठी करके 17 से 20 बार हम इस तरह से सूजी को पटक लेंगे। इस तरह से हर बार पटकेंगे, यूं मसलेंगे और यूं पटकेंगे। इस तरह करने से पूरी अच्छी फूली फूली बनेगी। अब हम इससे छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे,
चाहे तो आप सारे आटे की लोइयां एक बार में तोड़ के रख सकते हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी तोड़ लें इस तरह से। और साथ ही हम तेल भी गरम रख लेंगे, बाकी आटे को हम ढक लेंगे इस तरह से, गीले कपड़े से ढक के रखना है आटे और लोई सबको। इस तरह से छोटी छोटी लोई बना लेंगे, लोइयों को भी इस तरह से ढक लेंगे। और इस तरह से एक एक लोई उठाएंगे और हल्के हाथ से लोई को हमें बेलना है, चाहे तो आप गोल बेलें या मार्केट जैसी लंबी बेलें, मैं यहाँ गोल बेल रही हूँ। सिर्फ 2-3 बार हमें बेलन घुमाना होगा इस तरह से। इस तरह से हम ये लंबी बना सकते हैं, देखिए सिर्फ 2 बार बेलन घुमाया और ये हमारी लंबी पूरी हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम आटे और लोई को गीले कपड़े से ढक के रखना है हमें। लोइयां हम बना लेंगे और सारी लोइयां और आटा पूरियां एक साथ नहीं बेलनी है, इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी पूरी बेलेंगे और फ्राई करेंगे। पूरी आपको पतली बेलनी है, अगर पूरी मोटी रह जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, फूलेगी जरूर लेकिन थोड़ी मोटी रहेगी, तो इसलिए अच्छे से पतली बेल लें। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फ्राई भी हम इन्हें एकदम हलवाइयों की तरह लोहे की कढ़ाई में ही कर रहे हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और तेल भी हमें मीडियम ही गर्म चाहिए, ना ही लो रखना है और ना ही हाई करनी है। और इस तरह से पूड़ी डालेंगे, जैसे ही पूड़ी ऊपर आ जाएगी तब हमें पूड़ी को इस तरह से हल्का सा दबाना है। देखिए किस तरह सारी पूरी फूली है ना हमारी, इस तरह से हम सारी पूरी बनाएंगे। एक साइड जब सीख जाएगी तो इस तरह से पलट लेंगे। और ये देखिए, जब एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी, तब हम इस तरह से पलट करके और दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जब पूरी हमारी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तब हम इन्हें इस तरह से तेल से बाहर निकाल लेंगे। सूजी की पूरी आप देखते हैं ना फ्रेंड्स, एक तरफ से कम फ्राई होती है और एक तरफ से थोड़ी ज्यादा होती है, तो हमें इसी तरह से फ्राई कर लेनी है। और ये देखिए आवाज कितनी अच्छी कुरकुरी आवाज आ रही है। अब हम इन्हें एक टोकरी में निकालेंगे अच्छे से, ताकि हवा लगती रहे। तरह से हम टोकरी में निकाल के रख लेंगे। इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे हम सारी पूरी फ्राई करेंगे। जैसे ही पूरी ऊपर आएगी वैसे ही हमें इस तरह से दबाना है। किस तरह से हमारी सारी पूरी फूली फूली बनेगी, बस इस तरह से पूरी के ऊपर आने के बाद ही हमें इस तरह से दबाना है हल्के हाथ से। और जैसे ही एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, हल्की सी फ्राई हो जाएगी, वैसे ही हम इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड को थोड़ी सी ज्यादा फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पूरी हमने फ्राई कर ली, पानी हमारा तैयार हो गया और ये मसाला। अब मैं आपको आबू रोड स्टाइल में, कि आबू रोड वाले पानी पूरी वाले भैया हमें गर्मा गर्म पानी पूरी कैसे खिलाते हैं, वो मसाला और पूरी मैं आपको बना करके बताऊंगी। क्या करते हैं, उनके पास बड़ा सा तवा होता है और सारा मसाला तवे में डला हुआ होता है। इस तरह से लहसुन की सिम जलती रहती है। आलू का मसाला लेते हैं और उसमें इस तरह से 2-3 पूरी, ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है ना, इस तरह से मैश करके डाल दें। 2 पूरी हमने इसमें थोड़े मसाले में डाल, और फिर ये जो हमने पानी पूरी का मसाला पानी तैयार किया है, 2-3 चम्मच हम ये इसमें पानी मिक्स करेंगे और अच्छे से मसाले को गर्म करेंगे। इस तरह से पानी मिला करके, और इस तरह का थोड़ा सा ढीला ढीला सा मसाला होता है इस तरह का, जो जल्दी से झट से पूरी में भर जाता है। अच्छे से गर्म करेंगे तभी पूरी हमारी गर्मा गर्म जाएगी मुंह में। पानी नॉर्मल होता है और मसाला हमारा गर्मा गर्म होता है। ये देखिए इस तरह से फूटी ना एकदम बाजार की तरह, इस तरह से पूरी फोड़ी और इस तरह से बस हम मसाला भर देंगे। और इस तरह से पानी भर के गर्मा गर्म सर्व करेंगे, गर्मा गर्म पानी पूरी वाले भैया की तरह खाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सूजी की पूरी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ छोटे छोटे टिप्स दिए ना, इन्हें आप ध्यान रखिएगा कि पूरी हमें पतली बेलनी है और थोड़ी थोड़ी बेलनी है, सारी एक साथ बेल के नहीं रखनी है, थोड़ी थोड़ी बेलते हुए फ्राई करनी है। और इस तरह से इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप ये पानी पूरी बनाएंगे पूरी, तो आपकी पूरी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखते हुए आप ये सूजी की पानी पूरी बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।